हैव टू ट्राई हार्ड। ओके, ये जो हार्ड आपको ट्राई करना पड़ रहा है इसको इजी बनाता है फैमिली कॉन्स्टेलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एक्चुअली व्हाट इज फैमिली कॉन्स्टेलेशन। ओके, सो व्हेन आई वाज डूइंग, आई वर्क फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर सम टाइम, तो वहां से एक आए थे जिनका ये था प्रॉब्लम कि मेरा बिजनेस नहीं चलता है, और जो भी काम मैं करता हूँ वो कुछ भी करूँ, मैं बिजनेस करूँ या टाइम्स ऑफ इंडिया का जॉब करूँ, इट्स नेवर एनफ। जो मेरी सैलरी है वो 2 दिन में खत्म हो जाती है या 10 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मुझे पैसे की मारामारी रहेगी, दो आई एम अर्निंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। तो उसके ऊपर हमने कॉन्सलेशन किया कि मनी में क्या प्रॉब्लम है, तो पता चला कि उनकी जो दादी थी उनको कभी पैसा नहीं दिया गया, उनको हमेशा पैसे के लिए क्रेव कराया गया कि भाई अरे तुम तो लेडी हो, तुमको घर में रहने तो पैसे क्या जरूरत है, जो चाहिए हम ला देंगे, राइट? सो शी कर्स द फैमिली कि द वे आई एम यू नो क्रेविंग फॉर मनी, यू विल ऑल्सो क्रेव, बट दे आर डूइंग इट, बट दे डिडंट नो दैट हाउ इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन कमिंग जनरेशन, राइट? उन्हें थोड़ी पता था, वो तो गुस्सा थी अपने हस्बैंड से या अपने बेटों से, लेकिन क्या होता है, ऑल दिस कर्सेस और फैमिली कॉन्स्टेलेशन की लैंग्वेज में इसको बोलते अनहील्ड इश्यूज, वॉट शी वॉज हैविंग इन हर लाइफ टाइम दैट शी कुड नॉट हैव मनी, वो एक्चुअली आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, एंड यहाँ पे ये स्टक हो गए कि भाई इनका बिजनेस भी नहीं, जो भी बिजनेस भी चल रहा है, जॉब भी चल रहा है, लेकिन पैसा कभी पूरा पड़ ही नहीं रहा, तो क्रेव तो आ ही गया ना पैसे के लिए। सो वेन वी डू फैमिली कॉन्स्टेलेशन वी कैन हील ऑल दोज इश्यूज विद इन द फैमिली, जो और कोई चीज नहीं कर सकती। ओके, सो बेसिकली फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज द सिस्टमिक कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं इसको, और इसको फैमिली थेरेपी भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू हाउ इट स्टार्टेड। वर्जीनिया सटीर करके एक यूएस में थी, वो क्या करती थी कि वो फैमिलीज में जाकर के उनकी फैमिलीज के इश्यूज के बारे में डिस्कस काउंसलिंग करती थी। तो जैसे कि आप हैं, मतलब सब लोग हैं, लेकिन आप सब फैमिली मेंबर्स हैं, कोई किसी की भाभी है, कोई किसी की ननद है, तो कोई बच्चा है, कोई ग्रैंडफादर है, कुछ कोई कुछ है। तो वो जब भी फैमिली में जाती थी तो वो बड़ी फैमिलीज में जाती थी, तो उनका क्या होता था कि कोई ना कोई पर्सन नहीं होता था प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो वो किसी को भी बुला लेती थी कि चल बाहर एक नौकर है जो चाय बनाने के लिए, तो चलो तुम ही बैठ जाओ, राइट? तो वो बैठ जाती थी, जब वो उनसे बात करती थी, जब वो कहती थी ओके नाउ यू आर इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन, और मे बी यू आर इन प्लेस ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, तो वो एक्चुअली वो उस तरह से बात करते थे जैसे कि वो ग्रैंड मदर, वो प्रॉब्लम्स वो बताते थे जो उन ग्रैंड मदर को है, या वो पर्सन से जो उनके साथ बैठा है उनसे उनको है। आर यू गेटिंग मी? तो फैमिली कॉन्स्टेलेशन, उन्होंने वहां से ये समझना शुरू किया कि देर इज समथिंग अबाउट अ पर्सन, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते या उससे बात नहीं कर सकते, करेक्ट? ये चीज उनको समझ में आई। एंड जो बर्ट मैम हेलिंगर समझ है, नहीं आया, मैम समझ नहीं आया ये। समझ नहीं आया? अच्छा, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन, समझो कि आप 3 भाई बहन हैं, और आपने किसी को बोला कि यू जस्ट कम और डू काउंसलिंग फॉर माई फैमिली, ओके? तो कोई आपके घर में काउंसलिंग के लिए आया, लेकिन आपका कभी कोई बड़ा, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटी बहन या कोई भी प्रेजेंट नहीं है, और हमने किसी और को जो इस फैमिली से भी रिलेटेड नहीं है उसको हमने बुला लिया कि चलो तुम उसकी जगह बैठ जाओ आज अगर वो नहीं है, तो वो जो पर्सन फील करेगा ना, वो वही फील करेगा जो आपकी एक्चुअली सिस्टर या ब्रदर होते तो वो फील करते। ओके मैम आर यू गेटिंग मी नाउ? जी सो मैम। मैम, ये क्या प्रोसेस मदर सोल के थ्रू होता है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता, दिस इज कॉल्ड मॉर्फोजेनिक फील्ड, जिसके ऊपर यूएस में, सॉरी लंदन में, रूपल शेल्ड्रिक और उनके फादर, ये दोनों उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी एनर्जी जो इस वर्ल्ड में आती है एज ह्यूमन, एज एनिमल और एनीथिंग, हर चीज का डाटा मदर अर्थ में होता है, एंड दैट वी एक्सेस थ्रू मॉर्फोजेनिक फील्ड। किसी ने सुना मॉर्फोजेनिक फील्ड? ओ मैम, नो मैम, इट्स डिफरेंट फ्रॉम आकाशिक ना मैम?
आप ना, अर्थ इट्स को वेरी भी डिफरेंट विद ओके फ्रॉम आकाशिक एंड एवरीथिंग. इट्स वेरी सिस्टमेटिक थिंग. ये जो मैं आपको बिट्स एंड पीसेस में बता रही हूँ, ये आपको आज भी शायद जब हम ये कर रहे हैं इतना ज्यादा क्लियर ना हो. व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द थ्योरी कि ये कैसे होता है, अभी ये तो मैंने होल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ कि इस दुनिया में अगर डायनासोर आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं, भगवान राम आए हैं, या एक छोटी चींटी भी आई है, अगर मैं चाहूं कि वो चींटी, अगर आपने उस चींटी को नाम भी दिया है, तो व्हाट शी डिड ऑन दिस अर्थ, उसका डाटा आप एक्सेस कर सकते हो. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ मदर अर्थ. ओके, आप पूरी दुनिया को छोड़ के हम अपने पास आते हैं. नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम, सपोज कि भाई मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल एक्सेस द एनर्जी ऑफ माई मदर. ओके, आई विल डू माई कॉन्सलेशन स्पेशली विद माई मदर, बिकॉज मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स कम्स फ्रॉम द मदर. सो 70% प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम द मदर, ओके, एंड 30% प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम द फादर, बिकॉज फादर ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बाउंड्रीज इन योर लाइफ, राइट? तो आपकी जो स्टेबिलिटी है लाइफ की, वो आपके फादर से आती है, राइट? इन नेचर ऑल्सो, और यू कैन से द वे यू कम इन दिस वर्ल्ड, दिस इज द फैक्ट अबाउट यू और योर लाइफ. ओके, अगर आपकी मदर बहुत नाखुश रही है या बहुत ज्यादा एग्रेसिव रही है, तो ये एग्रेसिवनेस आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में और आपकी दूसरी चीजों में दिखेगा. एग्रेसिव का मतलब है देर इज समथिंग नेगेटिव व्हाट शी वाज हैविंग, यू विल आल्सो सी. बट हर एक के लिए हर चीज बहुत डिफरेंट होती है. अगर आपकी मदर की, जैसे सपोज अनामिका जी की मदर है या प्रमोद जी की मदर है, अगर ये आप दोनों की मदर की लाइफ एकदम सेम भी रही होगी ना, तो भी यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड ही विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, बिकॉज डीएनए, आपकी मदर की बात करें, लेकिन मदर की मदर, उनकी मदर, फिर उनकी मदर, तो पूरा जो लीनिएज है, ये जो सोर्स है, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिविटी है, लाइक आज डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये आपका शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज जो है ये तो हेरेडिटिकल है, मम्मी को थी, पापा को थी तो आपको होगी, या मम्मी को थी तो भी होगी, या मम्मी की मम्मी को थी तो भी होगी. व्हाई डॉक्टर्स से दैट? बिकॉज यू आर नॉट जस्ट द डीएनए ऑफ योर मदर फादर, यू आर द डीएनए ऑफ योर ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, मतलब बहुत सारे आपके पीछे हैं. बट वेयर इट इज स्टार्टेड, 7 जनरेशन बैक, 8 जनरेशन बैक. तो अगर आप वहां, अगर फैमिली कॉन्स्टेलेशन आप कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, उसका रूट कॉज आप ढूंढते हैं, एंड देन यू रिलीज फ्रॉम देयर. ओके, हाउ यू रिलीज? व्हेन दे हैव सम इमोशनल, आपको ये तो पता है कि हर, आजकल तो डॉक्टर्स भी मानते हैं कि एवरी इलनेस हैज सम इमोशनल ब्लॉकेजेस, ओके, सम इमोशनल इश्यूज बिहाइंड इट, दैट इज व्हाई यू हैव सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. डिप्रेशन, एंजाइटी कभी आपकी अपनी नहीं होती, राइट? तो अगर हम डायबिटीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर करूंगी, डायबिटीज इज हैविंग अ फीलिंग दैट एनी बडी विन ओवर मी. सो यू आर इन टू अ रेस, ओके, जो रेस शायद कभी कहीं आपके एंसेस्टर में शुरू हुई, या वो एक पैटर्न आपने लिया अपने एंसेस्टर से, एंड राइट नाउ यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न. यू आर इन टू अ रेस कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे विन करना है. बट वॉट हैपन्स, एवरीबडी इज देयर इन द रेस एंड एवरी टाइम यू कैन नॉट विन. और जनरली पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज, दे ऑलवेज हैव डिफीटेड, आई मीन दे फील दैट दे आर डिफीटेड बाई पीपल, सो दे हैव दैट काइंड ऑफ इमोशन. सो वेयर इट इज स्टार्टेड, हम उनके फर्स्ट इमोशन को एक्सेस करते हैं व्हेन दे स्टार्टेड टेलिंग योर एंसेस्टर इन द फील्ड दैट दिस वॉज माई प्रॉब्लम, आई कुड नॉट डू दिस, आई कुड नॉट डू दैट. उसी से ही आपका जो प्रेशर है ना, इमोशनल प्रेशर, वो कम हो जाता है. नाउ आई एम वेरी क्लियर, राइट? अब क्योंकि कई बारी आपके एंसेस्टर को वो लर्निंग नहीं होती, ओके, कि भाई अगर मैं ये नहीं कर सकती थी तो मैं क्या कर सकती थी. मान ली सपोज इट इज समवेयर फ्रॉम योर मदर साइड फैमिली, करेक्ट? सो अगर मैं ये नहीं कर सकती थी तो मैं क्या, अगर उनको वो बात उस समय पता होती तो ये चीज होती नहीं ना, डायबिटीज होती नहीं आज आपको. सो वी गिव दैट इनसाइड आल्सो टू योर एंसेस्टर, सो दैट दे कैन हील देयर इश्यूज देयर, सो दैट यू विल बी फ्री हियर. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिलीजिंग दैट इलनेस फ्रॉम एंटायर
lean, I mean, from the lineage and coming generation as well. So if you are healing yourself through family constellation, you are healing your coming generation as well. आपकी कमिंग जनरेशन को उस सेम चीज के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग? यस मैम।